ये वो पुल है जो कि अब टूट चुका है और इसने अपनी जगह जो है वो भी चेंज कर ली है, और दो इलाके जो हैं उनका रबता भी मुनक़ते हो चुका है आपस में। लोग जो हैं अपनी मदद आपके तहत कश्तियों में, प्राइवेट कश्तियों में सवार होकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। अपना कीमती सामान आप देख सकते हैं उठा के कश्तियों में सवार होकर किनारे पर जा रहे हैं और वहाँ से महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। ये भाई साहब जो हैं इस वक्त मछली तलाश करने में लगे हुए हैं ताकि अपने बच्चों का खाने पीने के लिए कुछ कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेट लंघा में, और ये जो कंटेनर टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं ये वो पुल के हिस्से हैं जो कि अब टूट चुके हैं। पुल ने अपना रुख भी तब्दील कर लिया है, पहले उसको जंजीरों के ज़रिए बांधा गया था, लेकिन अब जो पानी का बहाव इतना तेज़ आया है तो ये नीचे से इन्हीं बंकर्स के ऊपर जो है पुल ठहरा हुआ था, ये नीचे से निकल गया, जिसकी वजह से पुल जो है वो यहाँ पर टूट चुका है। तो यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, यहाँ पर रेस्क्यू भी मौजूद है, उसके अलावा फ़ौज जो है वो भी चक्कर लगा रही है। ये देखेंगे रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो पुल है जो कि अब टूट चुका है पानी के तेज़ बहाव की वजह से, और इसने अपना रुख भी तब्दील कर लिया है, और इसके नीचे जो बंकर्स थे जिनके अंदर जो है रेत और पत्थर बांधकर इस पुल को जो है उसके ऊपर ठहराया गया था, वो पानी के तेज़ बहाव की वजह से इसके नीचे से खिसक चुके हैं। खिसकने की वजह से जो है इसकी जो मजबूती है वो कमज़ोर पड़ी है, और उसके बाद इसने ये टूट गया और इसने अपना रुख भी तब्दील कर लिया। ये जो पुल है ये दो मोज़ों को आपस में मिलाता था, यहीं से लोग जो है एक मोज़े से दूसरे मोज़े में जाते थे। उसके अलावा इस पुल के साथ ही एक जो है वो सड़क थी, पक्की सड़क मेटल रोड, वो भी अब पानी ज़ेरे आब आ चुके हैं, उसके ऊपर से भी पानी गुजर के जो है दूसरे मोज़े में जो है दाखिल हो चुका है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा पुल है आप देख सकते हैं, और अब इसको जो है जंजीरों के ज़रिए बांधा गया है। अच्छा, ये वो आखिरी बंद है जो कि 1988 में जब यहाँ पर सैलाब आया था तो इसी बंद के ज़रिए जो है उस सैलाब को रोका गया था। ये तकरीबन 18 से 20 फुट ऊंचा बंद बनाया गया है यहाँ पर, और उम्मीद है कि अगर पानी दूसरे मौजूद से होता हुआ यहाँ आता है तो यहाँ तक आके वो रुक जाएगा। ये मोटर बोट जो है देखें लोगों को उनके घरों से पिक करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही है। ये भी इनको किनारे के ऊपर छोड़ेगी, और इस किनारे से आगे जो है ये लोग अपने रिश्तेदारों के पास या उसके अलावा जो इनके जानने वाले होंगे उनके घर में जाकर रिहाइश करेंगे, और जो बहुत ज़्यादा गरीब होंगे जिनके कोई वसाइल नहीं होंगे तो उनके लिए हुकूमत ने जो है इंतजाम कर रखे हैं। ये एक और इलाका है जहाँ पर सामने बिल्कुल सी पैक की सड़क गुजर रही है, और यहाँ पर भी जो है रात सारी रात को जो है मकामी इंतज़ामिया जो है उसने मेहनत की, और उन्होंने ये एक बंद बांधा क्योंकि इस साइड पे पानी जाने का ख़तरा है सी पैक वाली साइड पे। तो यहाँ पर जो है एसी साहब की जो मौजूदगी में है सारी रात काम चला है यहाँ पर, और बंद बांधा गया है। लेकिन क्योंकि 1,30,000 क्यूसिक का रेला जो है वो जल्द यहाँ पर पहुँचने वाला है, और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द ही जो है ये जो बंद बांधा गया है ये भी टूट जाएगा। आपको सामने कटाव नज़र आ रहा होगा, ये बंद भी टूटने वाला है, और यहाँ पर कश्तियाँ जो हैं वो आ रही हैं जा रही हैं, प्राइवेट कश्तियाँ भी मौजूद हैं, उसके अलावा रेस्क्यू की कश्तियाँ भी मौजूद हैं। लोग जो हैं अपना कीमती सामान, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हैं, उसके अलावा उनके घर में कोई नकदी है या कोई जेवर वगैरह है वो, और अपने बच्चों को लेकर अपने माल को लेकर जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। क्योंकि 1,30,000 क्यूसेक करेला जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तो इस वक्त जिस जगह पर मैं ठहरा हूँ ये जगह भी ज़ेरे आब आ जाएगी। यहाँ पर एक भाई साहब जो हैं जो कि सैलाब मुतासर हैं वो यहाँ पर बैठे मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो कुछ अच्छा खाना खाएँ, उनके अंदर प्रोटीन आए, उनके अंदर ताकत आए, और वो इन हालात का मुकाबला कर सकें। इसके अलावा मकामी इंतज़ामिया जो है उनकी तरफ से जो है एक स्कूल के अंदर जो है इस तरह के कैंप्स बनाए गए हैं फैमिलीज़ के लिए, ताकि अगर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं और लोग आना चाहते हों तो वो इन कैंप्स में आके रह सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। ये वो पुल है मेन जांगड़ा शर्की का, जिसके नीचे से जो है दरियाए सतलुज इस टाइम गुज़र रहा है अपने जोबन पर है। लोग जो इसके ऊपर से गुज़र रहे हैं वो इसको ठहर के देख रहे हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में सबको पता है कि इस टाइम दरिया सतलुज जो है वो भी भर चुका है। उसके अलावा दूर दराज इलाकों से भी लोग यहाँ पर पानी के अभाव देखने के लिए
पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा और जल्द ये बला टल जाएगी।